फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हमने एक स्पेशल फंक्शन रिवर्स फॉर स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग किया है। किस तरह से वर्किंग होगी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई कन्वेयर है। अभी हम चाहते हैं जैसे ही फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाए तो कन्वेयर से हमारा जो भी सामान है वो यहाँ से यहाँ पर आए। देखिए, अभी कन्वेयर की पोजिशन यहाँ पर आ चुकी है। जो भी प्रोडक्ट था वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। जैसे ही यहाँ पर आए और यह लिमिट स्विच हमारा ऑपरेट हो, तो यह लिमिट स्विच के ऑपरेट होते ही हमारी मोटर ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टॉप हो जाना चाहिए और अगेन ऑटोमेटिकली रिवर्स पोजीशन पर रन करना चाहिए। देखिए, अभी रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है। अभी हमारी मोटर ऑटोमेटिकली यहां से यहां पर आ चुकी है। जैसे ही यहां पर इसकी मेन पोजिशन पर आएगा और यह लिमिट स्विच लगता है, हमारी मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। कई बार हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, यहां से हमारा प्रोडक्ट रन करे और यहाँ से यहाँ पर आए, प्रोडक्ट यहाँ से बाहर हो जाए। जैसे ही ये लिमिट स्विच लगे, मोटर ने वापस इसकी मेन पोजीशन पर आना चाहिए और यहाँ पर ये लिमिट स्विच लगते ही मोटर ने ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाना चाहिए। यदि आप मैन्युअली रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना चाहते हैं, कन्वेयर को मैन्युअली लाना चाहते हैं, तो देखिये यहाँ से आपकी मोटर मैन्युअली यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में आएगी। जैसे ही लिमिट स्विच लगेगा, आपकी मोटर स्टॉप हो जाएगी। कई बार हमें इंडस्ट्री में इस तरह के एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो किस तरह से इस तरह की कंट्रोल वायरिंग की जाएगी, किस तरह से वर्किंग होगी, बहुत ही आसान तरह से समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि कंपोनेंट्स की बात की जाए तो हमने टू कॉन्टेक्टर कनेक्ट किया है, यह फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर और यह रिवर्स कॉन्टेक्टर। जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है, इस फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में हमने एक ओवरलोड रिले कनेक्ट किया है। यहाँ पर हमने 3 पुश बटन कनेक्ट किया है। यह हमारे पास स्टॉप पुश बटन है। इस स्टॉप पुश बटन में हमने एनसी एलिमेंट लगाया है। यह हमारे पास फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन है। जब इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और यह हमारे पास रिवर्स स्टार्ट पुश बटन है। दोनों ही पुश बटन में हमने एनो एलिमेंट कनेक्ट किया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे 2 लिमिट स्विच कनेक्ट किया है और मोटर के प्लेस पर हमने एक कूलिंग फैन कनेक्ट किया है। चलिए किस तरह से वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास ये जो कॉन्टेक्टर है, ये 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर ऑपरेट होते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों ही कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल A1 पर डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं, फिर किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाएगी ड्राइंग के जरिए समझते हैं। तो आप देख सकते हैं, अभी हमने न्यूट्रल कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 में डायरेक्टली कनेक्ट किया है। अब किस तरह से लाइन कंट्रोल वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। देखिये, न्यूट्रल यहाँ पर हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है। लाइन सबसे पहले जाएगी हमारे पास ओवरलोड रिले के एनसी में 95 और 96 नंबर पॉइंट पर, ताकि मोटर हमारी जब भी ओवरलोड हो तो हमें ट्रिपिंग मिल सके। यहां से जाएगी स्टॉप पुश बटन एनसी एलिमेंट में। एनसी एलिमेंट का जो आउटपुट रहेगा वह जाएगा फॉरवर्ड पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पर और यहीं से एक कनेक्टर हमारे पास जाएगा रिवर्स पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पर। चले पहले हम इतनी कंट्रोल वायरिंग कर लेते हैं। अभी हमने जो लाइन कंट्रोल वायरिंग का फेज है, सबसे पहले ओवरलोड रिले के एनसी में कनेक्ट किया है। ओवरलोड रिले के एनसी का आउटपुट हमने स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट किया है। स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट है उसे ले जाकर फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन में और यहीं से रिवर्स स्टार्ट पुश बटन में अभी हमने एक कनेक्टर कनेक्ट किया है। अब किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। देखिये, यहाँ पर अभी हमारे पास फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन में सप्लाई आई है। यहीं से हमें ले जाना है रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी से होते हुए फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। अभी सिंपल सी हम इंटरलॉकिंग कर लेते हैं। सेम प्रोसेस हमारे पास रिवर्स कॉन्टेक्टर की रहेगी। देखिये, रिवर्स पुश बटन का आउटपुट जाएगा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनसी से और इससे ले जाकर हमें रिवर्स कॉन्टेक्टर की कॉइल को ऑपरेट कर देना है। पहले हम सिंपल से इंटरलॉकिंग करते हुए रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, इस फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन का जो आउटपुट रहेगा, इसे हमें देखिए अभी फॉरवर्ड पुश बटन के आउटपुट पर एक कनेक्टर हम कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ले जाकर जो रिवर्स कॉन्टेक्टर का एनसी टर्मिनल है, इसे एनसी टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं ताकि इंटरलॉकिंग की जा सके, एक टाइम पर एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो। चलिए, इसे अभी हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया है। जब रिवर्स कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तब यह सप्लाई पास होगी, तो इसके एनसी पर एक कनेक्टर अभी हम कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ले जाकर जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 है, इसे A2 में कनेक्ट कर देना है। अब सेम प्रोसेस हमें रिवर्स कॉन्टेक्टर के लिए करना है, तो
तो रिवर्स पुश बटन के एनो एलिमेंट पर पहले हमें कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ले जाकर हमें फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का जो एनसी पॉइंट है इस एनसी पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है, ताकि जब हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो तो उस समय पर फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ने स्टॉप रहना चाहिए। सिंपल से हम इंटरलॉकिंग कर रहे हैं। इस एनसी के आउटपुट से हमें एक कनेक्टर कनेक्ट करना है और इसे ले जाकर हमें रिवर्स कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 पर कनेक्ट कर देना है। तो अभी हमने सिंपल सा रिवर्स फॉर स्टार्टर की वायरिंग किया है। चलिए पहले हम इसे यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए पहले हम इतनी कंट्रोल वायरिंग किस तरह से वर्क कर रही है समझ लेते हैं। देखिए कंट्रोल MCB को ऑन कर दिया है। देखिए इससे हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहा है, बट उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए हमने पुश बटन को प्रेस किया है। इस पुश बटन से रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहा है, बट उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए पुश बटन को प्रेस किया है। अभी इसे परमानेंटली ऑपरेट करने के लिए हमें इसमें होल्डिंग कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग सप्लाई आप क्या कर सकते हैं, एनसी का आउटपुट से भी ले सकते हैं या किसी भी एनओ के इनपुट से ले सकते हैं। तो यहां से पहले ड्राइंग में देखिए हम होल्डिंग सप्लाई यहां से ले रहे हैं और इसे जो फॉरवर्ड का हमारे पास लिमिट स्विच है, इस फॉरवर्ड के लिमिट स्विच के एनसी से लेना है, प्लस यहीं से इसे लेकर जाना है रिवर्स के लिमिट स्विच के एनसी पॉइंट से, ताकि कोई भी लिमिट स्विच हमारा ऑपरेट हो तो ये एनसी एनओ बने और हमारे कॉन्टेक्टर ने स्टॉप होना चाहिए। तो होल्डिंग सप्लाई हम दोनों ही लिमिट स्विच के एनसी से पहले कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए होल्डिंग सप्लाई हम इस एनसी के आउटपुट से कनेक्ट करते हैं। चलिए अभी हमने एनसी के आउटपुट में होल्डिंग सप्लाई का कनेक्टर ले लिया है। लिमिट स्विच में आप देख सकते हैं आपको एक एनसी पॉइंट दिया जाता है और एक एनओ पॉइंट दिया जाता है। पहले आप चेक कर लीजिए लिमिट स्विच में कहां पर आपको एनसी दिया गया है, कहां एनओ दिया गया है। देखिए यह जो नीचे का पॉइंट है ये एनसी पॉइंट है और यह एनओ पॉइंट है। हमें एनसी पॉइंट का यूज करना है, तो होल्डिंग सप्लाई हमें ले जाकर इस एनसी पॉइंट में डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। देखिए इस एनसी में कनेक्ट कर दिया है। इस एनसी का जो आउटपुट रहेगा वो हमें यहां से मिलेगा। तो अभी देखिए इस एनसी के आउटपुट से हमने एक कनेक्टर कनेक्ट कर लिया है और इसे इस लिमिट स्विच के भी एनसी में कनेक्ट करना है। तो इस एनसी के इनपुट पर अभी हमने कनेक्ट किया है। एनसी का जो आउटपुट रहेगा इसे ले जाकर हमें कॉन्टेक्टर को होल्ड करना है। तो यहां से पहले हम एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए अभी हमने एक कनेक्टर यहां पर एनसी के आउटपुट पर कनेक्ट कर लिया है। इसे ले जाकर हमें होल्डिंग के लिए कॉन्टेक्टर में जो एनो पॉइंट होता है उस एनो पॉइंट पर कनेक्ट करना है, क्योंकि हमें दोनों ही कॉन्टेक्टर में होल्डिंग प्रोवाइड करना है। तो यहां पर देखिए दोनों ही कॉन्टेक्टर में हमें एनो में कनेक्टर कनेक्ट कर देना है। चलिए पहले हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं और यहीं से एक कनेक्टर फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में भी कनेक्ट करना होगा। आप जिस तरह से हम नॉर्मल होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं उसी तरह से कॉन्टेक्टर के A2 से एक कनेक्टर लेना है और इसे कॉन्टेक्टर के NO पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। जिस तरह से हम नॉर्मल होल्डिंग कनेक्ट करते हैं उसी तरह से जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो NO NC बनेगा और सप्लाई यहां से यहां पर आएगी, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर परमानेंटली होल्ड होगा। चलिए दोनों ही कॉन्टेक्टर में अभी हम क्या करते हैं, एनो से एक कनेक्टर लिया है और इसे A2 पर कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्शन को आप अच्छे से फुल टाइट कीजिएगा, लूजिंग ना हो इसका ध्यान रखना है। तो इसी तरह से हमने एक कनेक्टर इस कॉन्टेक्टर में भी कनेक्ट कर दिया है। किस तरह से वर्किंग हो रही है पहले हम समझ लेते हैं। देखिए कंट्रोल MCB को ऑन किया, देखिए फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है, मोटर यहां से यहां आई। जैसे ही लिमिट स्विच लगेगा हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया, रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ, मोटर यहां से अगेन रिटर्न यहां पर आएगी। जैसे ही लिमिट स्विच लगेगा मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो अभी हमारी इतनी कंट्रोल वायरिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, ड्राइंग में आप देख सकते हैं। अभी हमें जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, देखिए मोटर जब फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस की जाएगी तो यहां से यहां पर आएगी। जैसे ही यह लिमिट स्विच लगेगा तो मोटर ने क्या होना चाहिए, यहां से वापस रिवर्स रोटेशन में ऑटोमेटिकली आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें किस तरह से कंट्रोल वायरिंग करना होगी समझ लेते हैं। देखिए हमें करना क्या होगा, इस लिमिट स्विच में जो एनो पॉइंट दिया गया है और ये जो रिवर्स पुश बटन का एनो पॉइंट है, दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर देना है। क्या करना है एक बार फिर से आप देखिए, जो रिवर्स पुश बटन है इसे हमें जो रिवर्स का लिमिट स्विच है उसके एनो से पैरेलली कनेक्ट कर देना है। चलिए पहले हम इसे पैरेलल कनेक्शन कर लेते हैं, फिर किस तरह से वर्किंग होगी समझ लेते हैं। चलिए हमने क्या किया है, जो लिमिट स्विच का एनो पॉइंट है इसे पैरेलली इस हमारे पास जो रिवर्स पुश बटन का एनो पॉइंट है इससे देखिए पैरेलली हमने सिंपल सा कनेक्शन कर दिया है।
चले किस तरह से वर्किंग कर रहा है अब हम समझ लेते हैं। देखिए कंट्रोल एमसीबी को ऑन किया, जैसे ही हम फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करते हैं फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन हुआ है, मोटर यहाँ से यहाँ पर आई है। जैसे ही लिमिट स्विच लगेगा हमारी मोटर है जो अगेन यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली रोटेट हुई है, और यहाँ से जैसे ही यहाँ पर अगेन वापस आएगी, यहाँ पर आएगी तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो यहाँ से हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। अब यहाँ पर कन्वेयर पर हमें जो भी प्रोडक्ट को चढ़ाना है या जो भी काम करना है मोटर यहाँ स्टॉप रहेगी। जैसे ही हम अगेन फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करते कन्वेयर से जो भी सामान है हमारा यहाँ से यहाँ पर आएगा, जैसे ही प्रेस होगा मोटर ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगी, जैसे ही यहाँ पर आएगी मोटर ऑटोमेटिकली कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी। और यहाँ पर हमने इंटरलॉकिंग भी कर रखा है। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाती है। दोस्तों यदि इस वीडियो से आपने कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।